हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए हम मैथमेटिक्स की दुनिया में मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, समझेंगे। तो आज क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 का 13th पार्ट समझने जा रहे हैं। तो 13th पार्ट आप समझेंगे विक्रम कुमार के साथ। मैं हूं विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर स्कूल सेकंड कासमबाग हैदराबाद। सो आइए 6.3 एक्सरसाइज समझ रहे हैं, कंटिन्यू है जिसका। आज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 13 समझेंगे। रेडी रहें एंड फुली कंसंट्रेशन से बैठे, समझी ना गया चीज समझ सके, ठीक है बच्चा। आइए स्टार्ट करते हैं समझ। कंसंट्रेशन से रहिएगा ताकि हर चीज इजीली समझ सके। देखिए, मैं से पहले क्वेश्चन को समझना, क्या करना, क्वेश्चन को समझना किस फॉर्म में गिवन है एंड कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखकर ही हम डिसाइड कर सकते हैं, वो तब जब प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है एंड कंसंट्रेशन से पहले समझना है। आइए क्वेश्चन में पहले लिख रहा हूं, इंटीग्रल साइन 3x प्लस 2 फ्रैक्शन। न्यूमरेटर में एक लीनियर एक्सप्रेशन है x माइनस 1 स्क्वायर रूट साइन, मैं क्या कर रहा हूं, 1/2 स्क्वायर रूट का इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल टर्म। डिनोमिनेटर में दो टर्म्स माइनस हो रहे हैं, दोनों में फ्रैक्शनल पावर है। न्यूमरेटर में भी दो टर्म प्लस में मगर कोई पावर नहीं। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के मुताबिक सॉल्व करेंगे जो फ्रैक्शनल टर्म है, तो सपोज लेंगे क्योंकि पावर उसमें है। सही बेटा, समझ में चीज आ रही है। तो सपोज लेंगे कोई भी वेरिएबल आपकी मर्जी असाइन करें, जैसे मैं यहां पर p असाइन कर रहा हूं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी सब असाइन कर सकते हैं मगर x के अलावा। सही है, तो p x माइनस 1 के इक्वल सपोज किया। सही है, अब डेरिवेटिव करेंगे ताकि dx तो x की डेरिवेटिव x dx के साथ, अब p ने कन्वर्ट किया है तो dp के हिसाब से करेंगे, तो इस dx रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने के लिए डेरिवेटिव के अलावा कोई हल नहीं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आर बोथ साइड्स d बाय dx, p वेरिएबल इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x वेरिएबल dx ऑफ 1 का आंसर नंबर। सही है बेटा, सो dp डिवाइडेड बाय ये dx, x की डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 का आंसर नंबर की डेरिवेटिव 0, dp इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज 1 मल्टीप्लाई बाय dx, सो फाइनली dp इक्वल टू dx। ओके बेटा, समझ में आई चीज यहां तक, क्लियर है डेरिवेटिव। अब देखिए dx और dp के इक्वल मिला, ये टर्म भी सपोज दिया गया है, अगर x ऊपर जो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो x रिप्लेस नहीं हुआ, वो कहां से लेंगे, वो ये जो सपोज लिया है हमने टर्म, जहां से x फाइंड करेंगे, तो x के साथ जो 1 गुणा माइनस में है तो साइन में ये 1 प्लस का हो गया, तो ये होगी x की वैल्यू इन सपोज्ड वैल्यू दैट इज p के फॉर्म। सही बेटा, क्लियर यहां तक। अब वापस इक्वेशन नंबर 1 की तरफ मूव होंगे एंड सब्स्टिट्यूट करेंगे टर्म्स को, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। सही है, तो आइए नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स इंटीग्रेशन है 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल पावर 1/2 इंटू dx, एज इट इज का मैंने लिखा हो, कुछ भी नहीं किया, जस्ट डायरेक्ट एज इट लिखा है। सही है बेटा, अब देखें कैसे टर्म सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 3x सपोज वेरिएबल x की जगह पे ये रिप्लेस करेंगे, दैट इज p प्लस 1, गौर से देखें क्या हो रहा है, प्लस 2 रिमेंस है, x माइनस 1, x माइनस 1 को सपोज किया हमने p के इक्वल पावर में 1/2 एंड dx तो dx dp के इक्वल मिला। सही बेटा, समझ में आई चीज यहां तक, अब देखें क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ 3p, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 3 1 3 प्लस ये 2, ठीक। डिनोमिनेटर में सिंगल वेरिएबल है, पावर है सिंगल वेरिएबल है, तो उसको मल्टीप्लाई चेंज करेंगे, आगे पावर की साइन चेंज हो जाएगी इनटू dp, ये चीज समझ में आई। डिनोमिनेटर में सिंगल वेरिएबल है, पावर मौजूद है, तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, न्यूमरेटर में पावर की साइन चेंज हो जाएगी। सही, अब देखें 3p, 3 प्लस 2 दोनों का आंसर नंबर प्लस करेंगे 5,
मल्टीप्लाई बाय पी पावर माइनस वन अपॉन टू एंड डीपी सेल स्टेप में जस्ट ये दोनों नंबर्स प्लस किए। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे पी पावर माइनस वन अपॉन टू को पहले टर्म के साथ, पी के पावर कुछ भी नहीं है मीन्स वन है, माइनस वन अपॉन टू फाइव पी के पावर माइनस वन अपॉन टू एंड ये डीपी इंटीग्रेशन साइन सही। अब ये बेस्ट साइड है तो पावर आपस में प्लस माइनस करेंगे, थ्री पी पावर वन माइनस वन अपॉन टू ये फाइव पी पावर माइनस वन अपॉन टू एंड डीपी साइन सही बेटा, क्लियर जाता। अब ये थ्री के पावर पी पावर वन माइनस वन अपॉन टू मीन्स वन में वन अपॉन टू माइनस करेंगे, कैसे करेंगे वो समझते हैं। वन में वन अपॉन टू अगर माइनस करना है फ्रैक्शनल नंबर एलसीएम के सवा कोई हल नहीं है, तो एलसीएम डिनोमिनेटर वन की कुछ नहीं मीन्स वन एंड वहां पर डिनोमिनेटर टू एलसीएम हो गई थी, तो वन अपॉन में कुछ भी नहीं एलसीएम नंबर टू से मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है माइनस ये वन से क्योंकि वन के अपॉन में टू वही एलसीएम है, सो वन टू आर टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू से, अब 2 माइनस 1 2 में 1 माइनस करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 रिमेंस सेम सही बेटा। अब ये सॉल्व हुआ सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब देखें 3 p पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 मींस 1 अपॉन 2 कैसे है वो आपके सामने है, प्लस 5 p पावर माइनस वन अपॉन टू एंड डी पी सेम जस्ट वन माइनस वन अपॉन टू जो हुआ उसका एंसर लिखा हुआ आपके सामने सही बेटा। अब ये दो टर्म्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर दोनों को डिफरेंटली अलग अलग सेपरेटली इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, थ्री कोएफिशिएंट में पहले लिखा जाएगा p पावर वन अपॉन टू की इंटीग्रेशन, फाइव कोएफिशिएंट में पहले लिखा जाएगा p पावर माइनस वन अपॉन टू की इंटीग्रेशन dp के साथ से सही है, दोनों को सेपरेटली इंटीग्रल फॉर्म में लिखा। अब इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं तो 3 पावर जो भी है 1 प्लस किया जाएगा सेम एज इट पावर डिवाइड में p के पावर 1 अपॉन 2 माइनस में 1 प्लस करेंगे सेम एज इट पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ गया सही बेटा, क्लियर जहां तक। अब सिंप्लीफाई करेंगे इनको कैसे देखते हैं, p के पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 फ्रैक्शन में, अगेन फ्रैक्शन में टर्म है एलसीएम लेकर प्लस करेंगे, 1 अपॉन 2 में 1 प्लस करना है डिनोमिनेटर्स चेक करेंगे 2 एंड 1 एलसीएम होगी 2, तो उसके अपॉन कुछ भी नहीं तो 1 डॉटेड लाइन देकर शो किया है, 1 अपॉन जो नंबर है वही एलसीएम है तो 1 से इस 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं है मींस 1 है, तो एलसीएम वाला नंबर साइन वैल्यू उस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कुछ भी नहीं था सही है, तो ये 1 प्लस 1 2 का 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 में 1 प्लस किया तो आंसर मिला 3 अपॉन 2, समझ में आ रही है एलसीएम है तो इसकी जगह पे डायरेक्ट मैं लिखा हूं 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन 3 अपॉन 2 5p पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 से भाई ले लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 2 या माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 बात हुई समझ में आई चीज, तो इसका आंसर क्या है 1 अपॉन 2, तो ये ऑलरेडी आंसर दी हुई है तो वही उसका आंसर मैं लिखूंगा। ठीक है बेटा क्लियर है, हर चीज समझ में आ रही है गौर से समझे, सिंपलीफिकेशन हो रही है एलसीएम बेसिक एलसीएम हो रही है। सो अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय ये 3 अपॉन 2 फ्रैक्शन में 2 अपॉन 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, p सपोज्ड वैल्यू में वापस रिप्लेस करेंगे, p किसके इक्वल लिया था x माइनस 1 के, तो p की जगह x माइनस 1 3 अपॉन 2 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 दे 2 अपॉन 1 x माइनस 1 p रिप्लेस किया 1 अपॉन 2 पावर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c सही है। अब देखें क्या हो रहा है, ये 3 3 में डिवाइड कर सकते हैं बाकी रिमेनिंग सिंपली 2 x माइनस 1 पावर में 3 अपॉन 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2 5 = 10 अप
r में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। LGX minus 1 पावर में 1 अपॉन 2 में से स्क्वायर रूट sin प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आई चीज, क्लियर है, आपके सामने मौजूद है। स्टेप वाइज हर स्टेप सिंपलीफाइड फॉर्म में समझा, जितना सिंपल हो सकता था उसी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। और अब आप गौर से समझें एंड अगेन प्रैक्टिस करें ताकि हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। सही है, ठीक है। मेरा इस मेथड थोड़ा लेंथी जरूर है, ठीक है, कोई स्टेप स्किप नहीं कर रहा मैं, क्योंकि हर स्टूडेंट जो एवरेज है या बिलो द एवरेज लाइन है वो भी समझ सके। इसलिए मैं इजीली वे से, लेंथी वे से हर स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट फायदा उठा सके। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो उनको मैथमेटिक्स अच्छी आ गई, वो परेशान होंगे इतना लेंथी सर समझा रहा है। बेटा मेरे लिए सब एक जैसे हो, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ जीरो लेवल वाला भी स्टूडेंट समझ सके इजीली। सही है, क्लियर है। तो फाइनली अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो जो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिले आपको, आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम इजीली समझें, सीखें, टाइम पे कंप्लीट कर सकें। ओके बेटा, क्लियर है, सही है। तो अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।